नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा SCS डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई, इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आते रहते हैं, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में और मैं SK त्रिपाठी आज आप सभी के साथ, जो UPPCS की प्री की हमारी मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है उससे रिलेटेड, जो आपका यूपी का आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट है उससे रिलेटेड ये आपका मॉक टेस्ट है जिसको हम लोग यहां पर बायलिंगुअल मैनर में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग और जो पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन से आपके क्षेत्र हैं यूपी के जो यूपी के मेजर, जो आपके कल्चरल साइट्स के अंतर्गत नहीं आते हैं, कल्चरल रीजंस के अंतर्गत नहीं आते हैं, सांस्कृतिक क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो मुख्य सांस्कृतिक क्षेत्र कौन कौन से हैं यूपी के, तो हम देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आपका ब्रिज आ जाएगा एक क्षेत्र, उसके बाद आपका अवध आ जाएगा, उसके बाद आपका बुंदेलखंड आ जाएगा और आपका रुहेलखंड क्षेत्र आ जाएगा और आपका भोजपुरी आपका क्षेत्र भी आ जाएगा। अब ब्रिज और अवध तो है, ठीक है, तो ये एलिमिनेट हो गया। बुंदेलखंड इसमें है तो ये भी एलिमिनेट हो गया, रुहेलखंड इसमें है तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, नन ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है ना, नन ऑफ द अबव हो जाएगा आपका। देखिए इस हिसाब से आप देखेंगे तो इसमें एक सही है और एक गलत है, तो इस हिसाब से इसका आंसर ये यहां पर लगा सकते हैं। इसमें जो दिया गया है आपका वो सेकंड और थर्ड दिया गया, उनके प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्र नहीं, लेकिन एक एक ऑप्शन तो उसमें सही और एक गलत है, इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से वो क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, क्योंकि एक क्षेत्र है उसमें सम्मिलित एक नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन तो जो है वो आपका गलत हो गया यहां पर, ठीक है, तो आंसर आपका बी हो जाएगा, सेकंड एंड थर्ड, क्योंकि नहीं वाले को हमको यहां पर रिकॉग्नाइज करना था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उसको देखेंगे हम लोग, और इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यूपी के किस स्थान से जो स्थापत्य कला के जो मौर्यन एरा के नमूने नहीं प्राप्त किए गए हैं, तो सारनाथ है, कौशाम्बी है, कुशीनगर है और उसके बाद नन ऑफ द इज है आपका, है ना, मतलब कोई नहीं, तो सब जगह से कुछ ना कुछ जो है उसके साक्ष्य मिले हैं मौर्य कालीन, तो इसमें से नन ऑफ द अबव हो जाएगा आपका आंसर, जो कि डी में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें पूछा जा रहा है कि यूपी की ऐसी कौन सी प्लेसेस हैं जो एविडेंस है गुप्ता टेम्पल्स की, है ना, गुप्ता टेम्पल्स के जहां से गुप्तकालीन मंदिरों के साक्ष्य प्राप्त किए गए, तो देवगढ़ का जो है आपका दशावतार मंदिर झांसी बिल्कुल है, भितरगांव जो है कानपुर का वो भी है आपका, ठीक है, उसके बाद भीतरी जो यहां पर लिखा गया है गाजीपुर, ठीक है ना, तो ये भी है आपका, ठीक है, यहां से तीनों जगह से आपके गुप्ता एम्पायर मतलब गुप्ता एरा के आपके टेम्पल्स के एविडेंस मिलते हैं, और भीतरी कौशाम्बी जो है और आपका भीतरी मथुरा जो है ये गलत है आपका, तो 1, 2, 3 इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इस क्वेश्चन में सही विकल्प का चयन करना है, और इसमें सबसे पहला जो स्टेटमेंट है इसमें लिखा गया है कि जो यूपी का आपका कल्चरल डिपार्टमेंट है उसको एस्टैब्लिश किया गया था 1956 में, ठीक है, तो ये गलत लिखा गया है क्योंकि ये 1957 में एस्टैब्लिश किया गया था 1957 में, ठीक है। इसके बाद जो पहला स्टेटमेंट है गलत हो गया। दूसरा, ये शर्की जो आपका आर्किटेक्चर का आपका स्टाइल है और जो मुगल की जो आगरा शैली है, मध्यकाल में स्थापत्य से संदर्भित आपकी दो प्रमुख शैलियां हुआ करती थी, तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, तो गलत बताना था इसलिए ओनली सेकंड इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि गलत विकल्प को हमको यहां पर चयनित करना है। सबसे पहला, जो अटाला आपकी मस्जिद है जौनपुर की, वो आपकी मुगल शैली का सर्वोत्कृष्ट क्या है, नमूना है, ठीक है ना, जो पहला लिखा गया है। तो देखिए, जो ताजमहल है वो मुगल शैली का सर्वोत्कृष्ट नमूना है, ना कि जौनपुर का स्थित आपका अटाला मस्जिद, तो पहला तो स्टेटमेंट गलत हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है इसमें लिखते हैं कि बनारस जो आपका स्टाइल है वो मेजर स्टाइल है मॉडर्न आर्किटेक्चर का, ठीक है, तो ये गलत है क्योंकि ये लखनऊ जो आपका आर्किटेक्चर है वो है आपकी आधुनिक स्थापत्य की प्रमुख शैली, तो दूसरा भी गलत हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है, जो बड़ा इमामबाड़ा है आपका लखनऊ का, उसका जो विशाल हॉल है, ये बता रहे हैं कि लखनऊ शैली का विशुद्ध नमूना है, ये बिल्कुल ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट गलत बताना था इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 और 2 जो कि आपका ए में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें यूपी के किन क्षेत्रों से जो है आपके जो चित्रकला है आपकी पेंटिंग्स उसके सबसे पुराने साक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए हैं बताना है यहां पर, ठीक है, तो मिर्जापुर का जो आपका सोनभद्र वाला एरिया, वहां पर सोनकड़ा और जो आपका लिखनिया दरी है आपकी,
है ना, ये क्षेत्र यहां से प्राप्त किया गया है। मानिकपुर और जोगीमारा जो है आपका यहां से भी प्राप्त किया गया है, ठीक है ना, और उसके बाद होशंगाबाद और आपका रायगढ़ से भी प्राप्त किया गया है। अब देखिए होशंगाबाद तो ये आपका एमपी में आता है, ठीक है, तो यहां से जो है नन ऑफ द अबव हो जाएगा इसका आंसर, जो कि डी में दिया गया है क्योंकि सब जगह से साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि चित्रकला की जो शैलियां हैं वो मध्यकाल की प्रमुख चित्रकला शैलियों से संबंधित नहीं है, उसको रिकॉग्नाइज करना है जो संदर्भित नहीं है। तो पहला मुगल शैली जो लखनऊ है, ठीक है ना, तो मुगल शैली जो है आपकी लखनऊ है, ठीक है। अब देखिए मध्यकाल की जो प्रमुख चित्रकला शैलियां थी कौन कौन सी थी, मुगल शैली का आपका आगरा स्टाइल हो गया, उसके बाद मथुरा का ब्रिज हो गया और बुंदेली शैली हो गई आपकी, ये प्रमुख शैलियां थी, ठीक है। तो मथुरा यहां पर लिखा है, मथुरा शैली ब्रिज और इसके बाद बुंदेली शैली लिखा है, है ना, तो ये इंपॉर्टेंट में आते हैं, ठीक है। और मुगल शैली आगरा वाली आती है इसके अंतर्गत, ठीक है, लखनऊ वाली नहीं आती है। तो नहीं पूछा था तो ओनली वन इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हमको इनकरेक्ट ऑप्शन को पिक करना है। सबसे पहला जो स्टेटमेंट है इसमें लिखा गया है कि जो अपभ्रंश स्टाइल है और लखनऊ स्टाइल है ये जो है आपकी काशी नरेश के संरक्षण में विकसित चित्रकला की शैलियां थी, ठीक है ना, तो ये जो है पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि जो वॉस टेम्पा शैली है जिसको लखनऊ शैली भी बोलते हैं वो आधुनिक चित्रकला की प्रमुख शैली है, ठीक है ना, आधुनिक जो आपकी चित्रकला है उसकी प्रमुख शैली है, ठीक है। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है यहां पर ध्यान से देखिएगा, जो पहला स्टेटमेंट था आपका वो अपभ्रंश शैली और लखनऊ शैली लिखा हुआ है, ये कंपनी शैली है आपकी, क्या है, कंपनी शैली है जिसका विकास आपका काशी नरेश के संरक्षण में हुआ था इन चित्रकला की शैलियों का, तो ये यहां से स्टेटमेंट गलत हो जाता है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। अपभ्रंश शैली और जो आपकी कंपनी शैली थी वो काशी नरेश के संरक्षण में विकसित चित्रकला की शैलियां थी, ना कि लखनऊ शैली, ठीक है ना। लखनऊ शैली तो आधुनिक चित्रकला है, आपको पता भी है ये आपके लिए, है ना, ये अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा भी है हमने। इसके बाद जो दूसरा स्टेटमेंट है, लखनऊ शैली या वॉस टेम्पा जिसको बोलते हैं आधुनिक चित्रकला की प्रमुख शैलियां, ये स्टेटमेंट आपका क्या है, ट्रू है। तीसरा जो है ललित मोहन सेन जो है वो लखनऊ चित्रकला शैली के जनक है, ठीक है ना, तो देखिए ये गलत है आपका, क्योंकि ये ललित मोहन सेन नहीं है, ये आपके असित कुमार जी हैं, असित कुमार हलदार हैं आपके, ठीक है ना, असित कुमार हलदार हैं ये आपके। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट गलत है, ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज राइट, गलत बताना था इसलिए आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें श्री केलीवाल और अष्टादश पद जो है वो किसकी रचना है ये बताना है हमको। तो ये जो आपकी रचना है वो स्वामी हरिदास की है, और ये कैसी रचना है आपकी, ये संगीतबद्ध आपकी रचना है ना, पदों की रचना है ये आपकी, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव हो जाएगा, क्योंकि उनका नाम यहां पर नहीं दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें भी गलत को हमको बताना है। सबसे पहला स्टेटमेंट ये है कि स्वामी हरिदास जी जो थे वो आपके निधि वन वृंदावन में रहते थे, ठीक है ना, तो पहला स्टेटमेंट तो आपका ट्रू हो गया, ट्रू हो गया तो आप इसको एलिमिनेट कर दीजिए क्योंकि गलत बताना है, तो आंसर आपको इजीली मिल गया। फिर भी चेक कर लेते हैं। दूसरा ये कि जो इनका जन्म बता रहे हैं स्वामी हरिदास जी का, ये बोल रहे हैं कि हरिदासपुर आजमगढ़ में हुआ था, ठीक है, तो ये हरिदासपुर अलीगढ़ में हुआ था, कहां था, अलीगढ़ में हुआ था, ठीक है ना, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा ये मंदिरों में संगीतबद्ध अर्चना पद्धति है उसकी शुरुआत स्वामी हरिदास ने किया था, तो ये गलत है। इसकी शुरुआत जो किया था किसने किया था, वल्लभाचार्य ने किया था, वल्लभाचार्य ने किया था, ठीक है ना, वल्लभाचार्य ने किया था, और जो है आप पुष्टि मार्ग वगैरह के बारे में जानते होंगे। तो तीसरा भी स्टेटमेंट गलत है आपका, केवल पहला स्टेटमेंट सही था, आंसर हमने पहले ही देख लिया, बी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा यूनिवर्सिटी है आपकी जो ग्रेटर नोएडा में जो है आपकी लोकेटेड नहीं है, कहां पर, ग्रेटर नोएडा में वो लोकेटेड नहीं है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले शारदा लोकेटेड है, ग्लोकल नहीं है आपकी, ठीक है ना, ग्लोकल जो आपकी यूनिवर्सिटी है ये सहारनपुर में है, कहां है ये, सहारनपुर में है, ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। गलगोटिया भी है वहां पर आपका और शिवनाडार भी है, ठीक है, तो आंसर आपका बी हो जाएगा, जो सिचुएटेड नहीं है नोएडा में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि यहां पर अरेंज करना है हमको क्रोनोलॉजी में जो उनका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है, किनका, डीम्ड यूनिवर्सिटीज का, ठीक है ना, उनको ईयर के हिसाब से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। सबसे पहले नेहरू ग्राम भारती यूनिवर्सिटी लिखा गया है यहां पर, ये प्रयागराज में है और इसकी जो स्थापना है वो 2008 में हुई। दूसरा शोभित इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो है ये मेरठ में है और 2006 में एस्टैब्लिश की गई। दयाल बाग जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है आपका ये कहां पर है आपका, तो ये आपका आगरा में है और 1981 में इसको स्थापित किया गया था। तो इस हिसाब से आप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, आपका आंसर हो जाएगा थर्ड, सेकेंड और फर्स्ट, जो कि डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें भी हमको यह बताना है कि कौन से दो ऐसे आपके म्यूजियम्स हैं, संग्रहालय हैं, जिनको एक ही वर्ष में जो है आपके क्या किया गया है,
स्थापित किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले राजकीय संग्रहालय झांसी की बात कर रहे हैं ये आपके, ठीक है। तो ये जो आपका एस्टैब्लिश किया गया था ये आपका 1978 में किया गया था। राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर जो है आपका वो 1988 में एस्टैब्लिश किया गया था। और उसके बाद जो इंटरनेशनल राम कथा म्यूजियम और आर्ट गैलरी अयोध्या में है और ये 1988 में एस्टैब्लिश किया गया था। तो ये दोनों जो है एक ही ईयर में है। सेकंड और थर्ड इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन से दो संग्रहालय हैं यूपी के जो एक ही जिले में अवस्थित हैं, सिचुएटेड हैं। लोक कला संग्रहालय, उसके बाद कालका बिंदा दीन महाराज की ड्यूडी जो है और कथक संग्रहालय, उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय। ठीक है, तो इसमें जब आप देखेंगे तो जो लखनऊ में यहां पर दो चीजें हैं कौन कौन सी, लोक कला और डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर आपका संग्रहालय और पुस्तकालय है, ये कहां पर है आपका, रामपुर में है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये आपका, ये रामपुर में है। ठीक है, और कालका बिंदा दीन महाराज की जो ड्यूडी है और कथक संग्रहालय तो ये कहां पर है आपका, ये है आपका लखनऊ में। तो ये दोनों जो है आपके ये लखनऊ में सिचुएटेड है। तो एक इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड, और इसको भी याद रखिएगा ये रामपुर में है, आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें ये पूछा जा रहा है कि कौन से दो मेलों का जो आयोजन किया जाता है यूपी के कासगंज में किया जाता है। ठीक है, तो कासगंज में जो आपके मेले का आयोजन किया जाता है वो किसका किसका किया जाता है आप देखेंगे यहां पर, तो सोरो जो मेला है उसकी जो है यहां पर चर्चा की जाती है, उसका जो है आपको यहां पर किया जाता है क्या आयोजन। ठीक है ना, थर्ड को रामनगरिया जो मेला लिखा गया है ये फर्रुखाबाद में आयोजित किया जाता है, लगता है ये मेला वहां पर। ठीक है ना, फर्रुखाबाद में। उसके बाद जो श्रृंगी रामपुर मेला है ये भी फर्रुखाबाद में लगता है। ठीक है, और सोरो मेला जो है आपका वो कासगंज में लगता है आपका, और गोविंद सागर जो मेला है आपका अंबेडकर नगर में लगता है। तो ओनली थर्ड कहीं पर भी नहीं है ऑप्शन में, तो आपका नन ऑफ द अबव डी हो जाएगा आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि गलत विकल्प का चयन करें। नौचंदी का मेला आपका यहां पर मेरठ लिखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये। ठीक है ना, तो यहां पर क्या बताना है, गलत, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा बटेश्वर मेला आगरा लिखा गया है, पशु मेला आपने सुना भी होगा। तीसरा जो रामायण मेला लिखा हुआ है और लिखते हैं ये कि ये वृंदावन में लगता है। ठीक है ना, कहां लगता है, वृंदावन में लगता है। तो भैया ये चित्रकूट में लगता है, कहां लगता है, चित्रकूट में लगता है, यही गलत है आपका, ओनली थर्ड, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें यह पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी आपकी अनुसूचित जनजाति है जो सोनभद्र के अलावा वाराणसी में भी पाई जाती है, सोनभद्र के अलावा वाराणसी में भी पाई जाती है। ठीक है ना, तो अगरिया जनजाति की बात करेंगे तो सोनभद्र में पाई जाती है। ठीक है, पटारी जनजाति की बात करेंगे तो सोनभद्र में पाई जाती है, लेकिन जो चेरो जनजाति है आपकी वो सोनभद्र और वाराणसी दोनों जगह पाई जाती है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें पूछा जा रहा है कि यूपी के किस जिले में खरवार जनजाति नहीं पाई जाती है। खरवार की बात करें तो कहां कहां पाई जाती है आपकी, देवरिया में पाई जाती है। ठीक है, बलिया में पाई जाती है, फिर गाजीपुर में पाई जाती है आपकी, उसके अलावा सोनभद्र में, वाराणसी में पाई जाती है आपकी। ठीक है ना, तो इसके हिसाब से आप देखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, जौनपुर और ललितपुर हो जाएगा, जहां पर मतलब जौनपुर हो जाएगा जहां पर यह जनजाति नहीं पाई जाती है। इसके बाद किस जिले में सहरिया जनजाति पाई जाती है, तो वो ललितपुर में एमपी से जुड़ा है, ग्वालियर वाली बेल्ट में पाई जाती है। इनका जो है सरहुल नृत्य भी होता है, दुलदुल घोड़ी भी होता है। ठीक है ना, ये स्पेशल मतलब स्पेशल ट्राइब्स में मतलब विशेष पिछड़ा में रखा गया है इसको एमपी में। ठीक है, तो सहरिया जनजाति ललितपुर वाले क्षेत्र में पाई जाती है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, और सहरिया की बात करें तो ललितपुर में, पहरिया की बात करें तो सोनभद्र, और बैगा की बात करेंगे हम तो बैगा भी आपका सोनभद्र में पाई जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका एसटी और एससी, जो वल्नरेबल ग्रुप से रिलेटेड आर्ट एंड कल्चर जो पढ़ते हैं हम, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसके बाद यूपी में जो प्रमुख है उद्योग है उनके संदर्भ में यहां पर गलत विकल्प का चयन करना। पहले यहां पर लिखा है ट्रांसफॉर्मर फैक्ट्री झांसी में। ठीक है ना, तो ये क्या है आपका, झांसी में जो है यहां पर गलत विकल्प बताना, तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा जो है आपका यहां पर जो लिखा गया है, जो आपका अपट्रॉन कैपेसिटर्स लिमिटेड है, ये कहां पर है आपका, तो ये आपका कहां पर है, लखनऊ में। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम रेणुकोट में है आपका। ठीक है, इसके बाद डीप फ्रीज जो मीट प्लांट है वो आपका टुंडला में है। ठीक है, तो इसमें गलत बताना था, तो कोई भी गलत नहीं है यहां पर, तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा यहां पर आंसर। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे हम लोग, और इसमें हमको सही जो आपका विकल्प है उसका चयन करना है। यूपी के संदर्भ में जो आपके लघु और कुटीर उद्योग से संदर्भित स्टेटमेंट दिए गए, तो वुड कार्विंग की बात करें तो ये बोल रहे हैं सहारनपुर और लखनऊ। ठीक है, तो ये सहारनपुर और लखनऊ नहीं है, ये आपका नगीना है। ठीक है ना, तो पहला तो ये आपका गलत हो गया। वुड टॉयज की बात करें अगर, तो ये वुड टॉयज जो है लखनऊ और वाराणसी से रिलेटेड है, लेकिन यहां पर नगीना लिख दिया है, तो दोनों जगह ये उल्टा लिख दिया है, तो दोनों गलत है आपके ये। तीसरा केन स्टिक्स की बात करें, बेत की छेड़िया जो छड़िया होती है ना, जो बेत की छड़िया होती है, केन स्टिक्स होती है, इन्होंने लिखा है क्या, बरेली लिखा है, तो ये बिल्कुल आपका ठीक है। तो ओनली थर्ड जो है वो आपका सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के कंबल निर्माण उद्योग से रिलेटेड जो भी यहां पर लिखे गए हैं उसमें से हमको सही विकल्प का चयन करना है। तो मेरठ और देवबंद लिखा है यहां पर, ठीक है, मेरठ और देवबंद लिखा है यहां पर, ठीक है। उसके बाद धामपुर सिकंदराबाद, टांडा और मगहर लिखा है, और मऊ और मुबारकपुर यहां पर लिखा गया। अब देखिए हथकरघा जो और जो आपका जो सूती वस्त्र उद्योग है कहां कहां पर है, मेरठ में है, देवबंद में है आपका, सिकंदराबाद में है, टांडा में है, मगहर में है, मऊ में भी है आपका, और मुबारकपुर में भी है आपका, ठीक है। तो ये आपके क्या है इसमें अगर आप देखेंगे तो हैंडलूम और कॉटन टेक्सटाइल से रिलेटेड जो है आपके वो ये सारे के सारे आ जाएंगे। तो इस हिसाब से जो इसका आंसर हो जाएगा आपका नन ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है। वैसे मैंने आपको सब एलोबरेट कर दिया है, आप इसको आराम से रिकॉग्नाइज कर लेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन को बताना है। सबसे पहले विजय सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि ये महोबा में है, ठीक है ना। तो ये जो आपका विजय सागर लिखा जा रहा है यहां पर बोल रहे हैं कि क्या है, महोबा में है, तो ये आपका ठीक है, गलत विकल्प का चयन करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर जो दूसरा है महावीर स्वामी वन्य जीव विहार जो लिखा गया है ये लिखते हैं महाराजगंज में है, जबकि ये है आपका ललितपुर में, ठीक है। और जो सुहागी बरवा वन्य जीव विहार है ये लिखते हैं यहां पर कि ललितपुर में है, जबकि वो आपका सिचुएटेड है कहां पर, महाराजगंज में। तो ये दोनों गलत है, ओनली जो आपका पहला है वो सही है, वो गलत बताना था, इसलिए सेकेंड और थर्ड आपका गलत है। आंसर आपका क्या हो जाएगा यहां पर, आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें करेक्ट ऑप्शन को पिक करना है। सबसे पहले जो लिखा गया है यहां पर ये जयप्रकाश नारायण पक्षी वन्य जीव विहार लिखा गया है और लिखते हैं ये कि ये आगरा में है, तो नहीं है भैया, ये बलिया में है, 1991 में बनाया गया था। उसके बाद जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी वन्य जीव विहार है इन्होंने लिखा है यहां पर प्रतापगढ़ में है, बिल्कुल ठीक है, 2003 में है, ठीक है। और इसके बाद सूर सरोवर पक्षी वन्य जीव विहार जो लिखा गया है ये आपका बलिया लिखा गया है, जबकि ये आपका आगरा में है, ठीक है ना, ये आगरा में है आपका 1991 में, इसको भी सिचुएटेड किया गया था। तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज राइट, इसका आंसर आपका बी ओनली सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बताना है कि कौन सा ऐसा वाइल्ड लाइफ जो आपका सेंचुरी है वो 1990 में जो है वो नहीं बनाया गया था, स्थापित नहीं किया गया था। तो विजय सागर पक्षी विहार की बात कर रहे हैं यहां पर, ठीक है, ये आपका विजय सागर जो है आपका, और जो बखीरा है आपका, और जो आपका पार्वती अर्गा पक्षी विहार है, ये जो तीनों है आपके ये 1990 में बनाए गए हैं, ठीक है ना। और उसके बाद अगर आप देखेंगे कि जो ओखला पक्षी वन्य जीव विहार लिखा गया है ये भी आपका 1990 में ही बनाया गया है। तो चारों के चारों जो लिखे गए हैं ये 1990 में बनाए गए हैं, और पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं स्थापित किया गया है, तो ये नन ऑफ द अबव होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी। ये सारे के सारे आपके कहां के हैं, ये जो है आपके अवस्थित है विजय सागर, ओखला, बखीरा और पार्वती अर्गा, ठीक है ना, ये सब के सब जो है 1990 में बनाए गए हैं, तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा इसका आपका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें ऑड जो भी आपका विकल्प होगा, जो भी आपका ऑप्शन होगा उसको पिक करना। सबसे पहले राहुल सांकृत जो आपके सांकृत्यायन संस्थान संग्रहालय है उसकी चर्चा की जा रही है, ये आपका गोरखपुर में अवस्थित है। इसके बाद जो प्रसिद्ध धार्मिक पत्रिका है कल्याण, ये आपको पता ही होगा, है ना, गीता जो आपने देखा होगा गोरखपुर में गीता प्रेस है, उसी की बात कर रहे हैं ये, तो ये आपका गोरखपुर में है। उसके बाद आयुर्वेद महोत्सव की बात कर रहे हैं, ये आपका झांसी से रिलेटेड है। नाथ नगरी जो है वो गोरखपुर को बोला जाता है, तो ये आपका ऑड वन हो गया, तो आंसर आपका सी हो जाएगा यहां पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछा जा रहा है कि जो मेडिवल एरा के मध्यकाल के प्रमुख जो आपके म्यूजिशियंस थे उनमें से कौन से इनमें से संबंधित नहीं है, प्रमुख संगीतकारों में नहीं सम्मिलित थे, उनका नाम यहां पर बताना है, ठीक है। तो यहां पर स्वामी हरिदास और कश्यप थे, शार्दुल और अभिनव गुप्त, और हरिपाल और अमीर खुसरो, आधा रंग और सदा रंग यहां पर लिखा गया है, ठीक है। तो मध्यकाल के प्रमुख संगीतकारों में से इनका नाम है सबका, और यहां पर जो है बैजू भी आएंगे, हुसैन सरकी भी आएंगे, वाजिद अली शाह भी आएंगे, है ना। तो ये जो है सब के सब जो है आपके ये मध्यकाल के प्रमुख संगीतकार हैं, जबकि नहीं पूछा है तो नन ऑफ द अबव डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें पूछा जा रहा है कि अकबर के जो दरबारी थे तानसेन, वो ग्वालियर के निवासी थे और वो किस क्षेत्र में पारंगत थे, तो ध्रुपद शैली आपको पता ही है ना। इसके बाद जो राग दीपक है और वीणा वादन, ठीक है, तो तीनों में पारंगत थे ये आपके, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, 1, 2, 3 देखे कहां पर दिया गया, बी में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जो अमीर खुसरो है उनके संदर्भ में रॉन्ग ऑप्शन को पिक करना है। पहला ये कि इन्होंने जो भी है निपुण थे ये किस राग में, तो ये राग मेघ में निपुण थे, है ना, इन्होंने जो है राग मेघ में क्या किया था, महारत हासिल की थी, ये निपुण थे आपके, ठीक है ना, जो पहला लिखा गया है। तो ये जो है आपका क्या बताना है, गलत विकल्प, तो ये आपका गलत है, ठीक है ना, जो पहला लिखा गया है ये आपका गलत है। इसके बाद जो दूसरा है, इन्होंने सितार का आविष्कार किया, बिल्कुल ठीक है, ठीक है।
अमीर खुसरो ने किया, और तबले का भी जो आविष्कार है वो अमीर खुसरो ने किया था। जबकि राग मेघ की बात करेंगे तो इसका आविष्कार किसने किया था, तो बैजू बावरा या बैजनाथ बोला जाता है उनको, बैजू बावरा, ठीक है ना, बैजू बावरा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा इनकी समाधि कहां पर है, ठीक है ना, एमपी में है कि यूपी में है। तो ये जो है आपके बैजू बावरा से रिलेटेड है, यही गलत है आपका, ठीक है ना। तो ओनली वन इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये पूछा जा रहा है कि कौन से दो घराने जो है यूपी के एक ही जिले से रिलेटेड हैं। तो अतरौली किराना और खुर्जा घराने की बात की गई है यहां पर, ठीक है ना। किराना घराना जो है आपका वो कहां से रिलेटेड है, तो मुजफ्फरनगर से। अतरौली की बात करें तो भैया अलीगढ़ से रिलेटेड है। खुर्जा भी आपका अलीगढ़ से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये दोनों एक ही जिले से रिलेटेड है, फर्स्ट एंड सेकंड। इसका भी आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने, जिसके शासनकाल में जो ठुमरी है वो बहुत लोकप्रिय हो गई। तो ठुमरी भैया रिलेटेड है वाजिद अली शाह के टाइम पे जो है ये आपकी बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है। और संगीत की दृष्टि से ये जो है लखनऊ घराने का स्वर्ण काल था, ठीक है ना। तो ये वाजिद अली शाह जो है इसका आंसर होगा, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए जो है नन ऑफ द अबव हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है वाराणसी के रेफरेंस में, ठीक है। तो पहला ये कि जो आपकी श्रीमती एन राजम है वो वायलिन वादन से रिलेटेड है, गोपी कृष्णा जो है वो शहनाई से रिलेटेड है, और नृत्य में जो नाम आता है नृत्य में डांस में डांस एक्टिविटीज में उदय शंकर जी का, ठीक है। तो देखिए यहां पर जो आपका जो बी में दिया गया शहनाई वादन में गोपी कृष्ण दिया गया है, ये शहनाई वादन में उस्ताद बिस्मिल्ला खान थे, ठीक है ना। बिस्मिल्ला खान का नाम जो है वो बहुत फेमस भी है आपका, ठीक है। तो ये आपका जो है दूसरा गलत दिया गया है यहां पर, और गलत ही बताना था, बाकी फर्स्ट और थर्ड आपका जो है वो सही है, ठीक है ना। और ये जो है जो आप गोपी कृष्ण वगैरह का नाम भी सुनते हैं, तो इन्होंने कहां का जो है वाराणसी का ही गौरव को क्या किया था, गौरव का उन्नयन किया था। तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, और रॉन्ग पूछा था, इसलिए आंसर आपका बी हो जाएगा, ओनली सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जो लखनऊ है उसमें सितार वादन से संबंधित कौन कौन से हैं, इसमें है ना, जो लखनऊ से रिलेटेड है और सितार वादन से। तो रविशंकर जी का नाम है, राजपान सिंह जी का नाम है, उस्ताद मुश्ताक अली खान जी का नाम है, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे तो जो पंडित रविशंकर है, राजपान सिंह है, उस्ताद मुश्ताक अली खान है, ये जो है वाराणसी से रिलेटेड है, ना कि लखनऊ से, ठीक है। तो नन ऑफ द अबव आपका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कथक आर्टिस्ट ऑफ अयोध्या, अयोध्या के जो कथक कलाकार है उनसे रिलेटेड कौन नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे तो जो स्वामी, यहां पर देखिए क्या लिखा गया है, यहां पर पहला संत गोपाल मिश्र लिखा गया है, फिर लोटन जी का नाम है, हीरेंद्र गांगुली जी का नाम है, और नानक जी का नाम है, ठीक है ना। तो अवध जो आपका अयोध्या वाला एरिया है, अयोध्या जो है आपका, उसके पुराने कथक कलाकारों के नाम आप देखेंगे तो संत गोपाल मिश्र जी का नाम आएगा उसमें, लोटन जी का नाम आएगा, और नानक जी का नाम वहां पर आएगा, ठीक है ना, नानक जी का नाम वहां पर आएगा, ठीक है। तो हीरेंद्र गांगुली नहीं है उसमें, तो आपका ये हो जाएगा आंसर, जो कि आपका सी में दिया गया। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसमें पूछा जा रहा है कि ताज बेगम ने किससे जो है शिक्षा प्राप्त की थी, तो भैया विट्ठल नाथ से उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली थी, ठीक है ना। मीरा की भांति ब्रिज में जो आपका भक्ति आंदोलन जो आप देखते हैं उसमें कृष्ण और राम भक्ति धारा होती है, दो शाखाएं होती है, तो कृष्ण भक्ति धारा की जो ताज बेगम थी उनका नाम फेमस था, और उन्होंने विट्ठल नाथ से दीक्षा ली थी। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन को पिक करना है। पहला यह है कि स्टेटमेंट कि स्वामी हरिदास ने तानसेन को दीपक राग में निपुण बनाया था, ठीक है ना, पहला जो लिखा गया है, इसमें गलत विकल्प का चयन करना है, ठीक है ना। तो स्वामी हरिदास ने तानसेन को दीपक राग, बैजू बावरा को मेघ राग, और गोपाल नायक को मालकौस राग में सिद्धि प्राप्त कराई थी, ठीक है ना। तो दूसरा जो है, स्वामी हरिदास ने बैजू बावरा में मेघ राग को निपुण बनाया, स्वामी हरिदास ने गोपाल नायक को मालकौस राग में निपुण बनाया, तो गलत बताना था, तीनों सही है, तो आंसर आपका नन ऑफ द अबव हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा, है ना। तो आपका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में सही विकल्प का चयन करना है। पहला जो स्टेटमेंट है इसमें यह बताया जा रहा है कि स्वामी हित हरिवंश जो है उनको श्रेष्ठ संगीतज्ञ होने के कारण भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता था, ठीक है ना। पहला जो स्टेटमेंट है आपका, तो ये आपका क्या है, बिल्कुल ठीक है, ये इनको कृष्ण के वंश का ही अवतार माना जाता था, पहला स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरा ये कि स्वामी हित हरिवंश ने 84 पदों को 14 राग रागनियों में निबद्ध किया है, ठीक है ना। तो ये जो आपका दूसरा स्टेटमेंट यहां पर लिखा गया है ये भी आपका क्या है, देखिए सही विकल्प का आपको चयन करना है, ठीक है ना। देखिए स्वामी हित हरिवंश जो है उनको श्रेष्ठ संगीतज्ञ होने के कारण कृष्ण के बंसी का अवतार माना जाता था, और यहां पर क्या लिखा है, कृष्ण जी का अवतार माना जाता था, है ना। तो इनको कृष्णा जी की जो आपकी फ्लूट थी उसका इनकार्नेशन माना जाता था अवतार। देखिए यहां पर शब्दों का खेल है, इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, पहला जो लिखा गया है कि जो स्वामी हित हरिवंश है
उनको बेस्ट म्यूजिशियन कंसीडर किया जाता था, है ना, किस रूप में, कि भगवान श्री कृष्ण जी की जो बंसी थी, फ्लूट थी, उसके अवतार के रूप में माना जाता था, ना कि कृष्ण जी के अवतार के। इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। दूसरा ये कि जो 84 पदों को इन्होंने 14 राग रगनियों में क्या किया था, इन्होंने निबद्ध किया था, तो दूसरा स्टेटमेंट आपका ट्रू है। तो ओनली सेकंड इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, छोटे छोटे से शब्द से जो है पूरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन को पिक करना है कि ठुमरी के प्रणेता जो थे उस्ताद खुर्शीद अली खां थे। कौन थे इसके प्रणेता? महाराजा बिंदादीन थे। कौन थे? बिंदादीन थे आपके, ठीक है ना, बिंदादीन थे आपके। इसके बाद बिंदादीन जो है आपके वो लखनऊ गायकी के पितामह माने जाते थे। तो लखनऊ गायकी के जो आपके पितामह माने जाते थे वो आपके उस्ताद खुर्शीद अली थे। दूसरा आपका स्टेटमेंट गलत है, तो दूसरे को आप एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद वाजिद अली शाह के समय में कथक नृत्य को विशेष लोकप्रियता प्राप्त हुई। तो कथक नृत्य और ठुमरी को विशेष लोकप्रियता प्राप्त हुई थी वाजिद अली शाह जी के टाइम पे। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? गलत विकल्प बताना था, तो फर्स्ट और सेकंड आपका गलत है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्योंकि गलत बताना था हमको, ठीक है, गलत बताना था इसलिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें स्वामी हरिदास के 8 शिष्यों का उल्लेख जो है नाथ विनोद ग्रंथ में किया गया है, ठीक है, उसमें से किसका उल्लेख इसमें नहीं किया गया है उसको रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। तो 8 जो इनके शिष्य है उनमें किनका किनका नाम था? बैजू का नाम है, तानसेन जी का नाम है, गोपाल लाल जी का नाम है, मदन राय जी का नाम है, सोमनाथ पंडित जी का नाम है, सौरसेन का नाम है, दिवाकर पंडित जी का नाम है, और आपके रामदास जी का नाम है, और मदन राय जी का नाम है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे तो किसका नाम नहीं है? तो पंडित राम सेवक मिश्र जी का नहीं है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें यह पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने जो है लखनऊ कथक शैली को एक जो है नई दिशा प्रदान करने में अपना योगदान जो है वो नहीं दिया है, नहीं दिया है, ध्यान रखिएगा, नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। तो शंभू महाराज ने दिया, लक्ष्यू महाराज ने भी दिया है, बिरजू महाराज ने भी दिया है, और बिंदादीन जो है आपके वो क्या है, इन्होंने लखनऊ की जो कथक शैली है उसको जो है इन्होंने क्या किया है? नहीं दिया है, क्योंकि अभी हमने ऊपर ही देखा है कि जो बिंदादीन है आपके वो क्या है, आपके बिंदादीन जो है वो प्रणेता है किसके? ठुमरी के, ठीक है ना। तो इसका क्या है? चौथा सी में दिया है, इसलिए ये आपका गलत पूछा गया था, मतलब नहीं जिसने योगदान दिया, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछा जा रहा है कि किसने जो है वाराणसी की जो आपकी टप्पा स्टाइल है उसको समृद्ध बनाने में योगदान नहीं दिया है, पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो किसने दिया है समृद्ध करने में टप्पा गायन को, मतलब जो आपका टप्पा गायन है उसकी शैली को समृद्ध करने में किसने अपना योगदान दिया है? तो अकबर अली खान है ये आपके, ठीक है, शादे खान है, रसूलन बाई है, इमाम बाई है, और चित्रा बाई है, ठीक है ना। तो इसमें से कौन से किस क्या नाम यहां पर आपको नहीं दिखाई दे रहा? चांद खान जी का नाम नहीं है, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें पूछा जा रहा है कि कौन जो है वो कथक नृत्य से रिलेटेड नहीं है, ये बताना है हमको, ठीक है। तो सितारा देवी है, अलकनंदा देवी भी है आपकी यहां पर, ठीक है, और जो आपके पंडित शंभुनाथ मिश्र हैं, ठीक है, वो मिर्जापुर के हैं और वाराणसी में आकर बस गए थे, और प्रसिद्ध जो है ये सारंगी वादक हैं, ठीक है ना, ये सारंगी वादक हैं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन को पिक करना है। पहला ये कि जो अमीर खुसरो के पौत्र थे सुल्तान हुसैन शाह सरकी, उन्होंने सितार की विलंबित वादन शैली का प्रचलन किया था, ठीक है ना। सही विकल्प जो है हमको नहीं बताना है, इसमें गलत विकल्प को हमको चयनित करना है। तो देखिए यहां पर जो है विलंबित जो शैली का प्रचलन किया गया था वो किसने किया था? खुसरो के पौत्र थे। किसके? खुसरो के पौत्र थे, और उनका जो नाम था वो मसीत खान था। क्या था? मसीत खान था उनका नाम, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, दूसरा जो है जौनपुर के जो मसीत खान है उन्होंने ख्याल गायकी को व्यापक रूप से पॉपुलर बनाने के साथ टप्पा शैली का प्रचलन किया था, ठीक है ना। तो जौनपुर के जो सुल्तान थे आपके हुसैन सर की, उन्होंने ख्याल गायकी को व्यापक रूप से पॉपुलर बनाया था, और उसके साथ ही टप्पा शैली का भी प्रचलन किया था। तो दोनों उल्टा लिखा गया है, बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। इसका आंसर आपका बोथ हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो फैजाबाद के म्यूजिशियन नहीं है, फैजाबाद के नहीं है आपके, ठीक है। तो यहां पर मेहंदी उस्ताद का नाम है, गुलाम हुसैन का नाम है, मुस्तरी बाई और बेगम अख्तर का नाम है। मेहंदी उस्ताद, रहीमुद्दीन खां, मुस्तरी बाई, बेगम अख्तर जो है ये सब फैजाबाद अयोध्या के थे, ठीक है ना। लेकिन जो आपके ये लिखे गए हैं आपके शोरी मियां जो है आपके, वो भी अयोध्या में फैजाबाद में बस गए थे टप्पा शैली को सुप्रतिष्ठित करने के बाद। लेकिन जो आपके गुलाम हसन है ये आपके क्या है? नहीं थे। किससे रिलेटेड? टप्पा शैली को इन्होंने सुप्रतिष्ठित नहीं किया था, ये उससे रिलेटेड नहीं थे आपके। कहां से?
फैजाबाद के संगीतज्ञ नहीं थे। सीधे देखिएगा कि जो ये फैजाबाद के संगीतज्ञ नहीं थे वो कौन है आपके, गुलाम हसन का वहां पर नाम नहीं आता है, इसलिए आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें सही विकल्प बताना है। तानसेन ने स्वामी हरिदास से वीणा वादन की शिक्षा भी प्राप्त की थी, ठीक है ना, वीणा वादन की। तो पहला स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल ठीक है आपका। दूसरा, ये पंडित जो छन्नूलाल है उन्होंने शंभू महाराज से ठुमरी की शिक्षा प्राप्त की थी, तो ये गलत है। इन्होंने रहीमुद्दीन जो थे आपके खां उनसे ठुमरी की शिक्षा प्राप्त की थी। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछा जा रहा है कि किसने जो है लखनऊ की संगीत परंपरा को समृद्ध बनाने में अपना जो है क्या कंट्रीब्यूशन नहीं किया है। तो पंडित सखाराम जी का नाम है, अयोध्या प्रसाद जी का नाम है, शंभुनाथ मिश्रा जी का नाम है यहां पर। अब देखिए, अभी अभी हमने देखा कि शंभुनाथ मिश्रा जी कहां से रिलेटेड थे, अब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी ये जो है दोनों के दोनों जो है वो म्यूजिक ट्रेडिशन को इन्होंने एनरिच किया था लखनऊ के, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये रिपीटेशन है आपका, अभी अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लखनऊ घराने से रिलेटेड सही विकल्प का चयन करना है। पंडित अयोध्या प्रसाद जो है पखावज प्लेयर यहां पर लिखा गया है, ठीक है ना, तो ये बिल्कुल ठीक है आपका। इसके बाद उस्ताद दुल्ले खान जो है वो यहां पर लिखा गया है क्या, जो आपके हार्प प्लेयर है बीनकार लिखा गया है, ठीक है ना। तो जो आपके यहां पर उस्ताद दुल्ले खान है और उस्ताद सखावत हुसैन खान है ये सरोद वादक हैं आपके, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका, दूसरा जो आपका यहां पर हो गया उस्ताद दुल्ले खान जो आपके बीनकार लिखा गया है यहां पर, ये आपका यहां पर गलत लिखा गया है, ठीक है ना, क्योंकि ये उस्ताद दुल्ले खान जो है ये आपके किससे रिलेटेड है, सरोद वादक से, और सादिक अली खान जो है वो बीनकार है। तो ये दोनों आपके गलत है, और पूछा क्या है कि करेक्ट ऑप्शन को बताया, तो भैया कोई भी करेक्ट नहीं है, नन ऑफ द अबव, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें पूछा जा रहा है कि लखनऊ का जो आपका घराने का जो सितार वादन है उससे रिलेटेड कौन से इसमें से जो है आपके नहीं आते हैं, है ना, उन व्यक्तित्व के यहां पर पर्सनालिटीज के नाम दिए गए हैं। तो पहला जो है ध्रुव तारा जोशी का नाम लिखा हुआ है यहां पर, ठीक है। उसके बाद जो लिखा गया है आपका नेक्स्ट वन जो लिखा गया है आपका वो क्या लिखा गया है, इलियास खां, उसके बाद यूसुफ अली खान जी की बात है, और उसके बाद जी एन गोस्वामी जी की बात यहां पर की गई है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहां पर जो पंडित सखाराम है, पंडित अयोध्या प्रसाद है जो आपके पखावत से रिलेटेड है अभी अभी देखा हमने, ठीक है। जी एन गोस्वामी जी की बात करें तो वायलिन से रिलेटेड है आपके, ठीक है, और इन्होंने लखनऊ की कौन सी संगीत परंपरा को क्या किया है, समृद्ध किया है, किसने, जी एन गोस्वामी ने। लेकिन इलियास खां, यूसुफ अली खां और ध्रुव तारा जो आपकी जोशी हैं, इन्होंने किसको समृद्ध किया है, इन्होंने लखनऊ के घराने के सितार वादन से रिलेटेड है। तो जी एन गोस्वामी जो है वो नहीं है सितार वादन से रिलेटेड, आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन को हमको पिक करना है। ये कालिंजर फेयर लिखा गया है, महोबा लिखा गया है, जबकि ये आपका बांदा है। इसके बाद जो आपका देवी पाटन फेयर है ये कहां से रिलेटेड है, बलरामपुर से, और जो आपका कजली महोत्सव है वो रिलेटेड है कहां से, महोबा से रिलेटेड है आपका। तो तीनों के तीनों गलत है आपके, तो आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, इनकरेक्ट पूछा था इसलिए आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछा जा रहा है कि कौन से जो दो प्रमुख लोक नृत्य है वो ब्रिज भूमि में किए जाते हैं। पहला चरकुला लिखा है, फिर राई लिखा है, और उसके बाद चौरसिया फोक डांस लिखा गया है यहां पर, ठीक है। तो देखिए चरकुला की बात की जाए तो ये ब्रिज भूमि में की जाती है, ठीक है ना, ब्रिज भूमि में किया जाता है। राई की बात किया जाए तो ये बुंदेलखंड से रिलेटेड है, और चौरसिया लोक नृत्य जो है वो जौनपुर से रिलेटेड है आपका। तो देखिए ओनली वन तो किसी में है नहीं, तो नन ऑफ द अबव इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी जो दो प्रमुख नाट्य संस्थाएं हैं यूपी की वो एक ही शहर में अवस्थित है। पहला ये कि इंडियन पीपल्स जो थिएटर एसोसिएशन है आपका, ठीक है, तो ये जो है आपका ये कहां है, ये आपका आगरा में है। कहां पर है, आगरा में है। साधना ड्रामेटिक जो आपका आर्ट सेंटर है, साधना नाट्य कला केंद्र जो है आपका, वो कहां पर है आपका, तो ये आपका गाजियाबाद में है। और जो आपका माध्यम नाट्य संस्थान है ये आपका गाजीपुर में है आपका, ठीक है ना, गाजीपुर में है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव हो जाएगा, कोई भी जो है दो ऐसी संस्थाएं नहीं है जो एक ही शहर में यहां पर दी गई हो, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें यह पूछा जा रहा है कि कौन सी अकेडमी जो है वो आपकी प्रयागराज में क्या है, लोकेटेड है। तो पहला उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान है जो आपकी, ये आपकी कहां पर है, लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश सिंधी अकेडमी, ये भी आपकी कहां पर है, सिंधी अकेडमी लखनऊ में है। हिंदुस्तानी जो आपकी अकेडमी है वो कहां पर है आपकी, जो हिंदुस्तानी अकेडमी ये है आपकी प्रयागराज में। और पंजाबी अकेडमी जो है यूपी की वो कहां पर है आपकी, वो भी आपकी लखनऊ में है, ठीक है। तो प्रयागराज में आपकी हिंदुस्तानी अकेडमी है, आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछा जा रहा है कि स्थापना वर्ष के आधार पर इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप यहां पर लगा दें। पहला ये उत्तर प्रदेश हिंदी जो संस्थान है आपका, तो ये आपका इसकी स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1900
76 को। हिंदुस्तान एकेडमी जो है वो आपकी एक ऐतिहासिक संस्था है और इसकी स्थापना जो हुई थी वो आपकी 29 मार्च 1927 में आई थी। साइमन कमीशन का टाइम चल रहा है ये आपका। उत्तर प्रदेश जो उर्दू अकादमी है वो देश की ऐसी पहली अकादमी है जिसकी स्थापना जो है 1972 में राज्य सरकार के द्वारा की गई थी। तो अब आप लगा सकते हैं इसको आसानी से, तो सेकंड थर्ड और वन हो जाएगा, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसके इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन को पिक करना है। पहला ये कि यूपी में जो सबसे पहले अक्टूबर 1947 में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को अपनी राजभाषा घोषित किया गया था यूपी में, ठीक है ना। तो पहला जो है आपका बिल्कुल ठीक है आपका, ठीक है, जो पहला स्टेटमेंट है वो आपका क्या है, ठीक है। उसके बाद 26 जनवरी 1968 से बात करेंगे तो राजभाषा हिंदी का जो प्रयोग है वो यूपी के सभी ऑफिशियल्स में जो ऑफिस होते हैं गवर्नमेंट ऑफिसेस वहां पर अनिवार्य कर दिया गया था इसको, ठीक है ना। 26 जनवरी लिखा है यहां पर लेकिन 1965 लिखा है जबकि ये 1968 की बात है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमको स्थापना वर्ष के आधार पर उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश का जो आपका संस्कृत संस्थानम है उसकी स्थापना जो है 1976 में की गई थी। पंजाबी अकेडमी जो है उसकी स्थापना 1998 में की गई थी, और जो सिंधी अकेडमी है इसकी स्थापना 1996 में की गई थी। अब आप उसको अरेंज कर लीजिए, ठीक है ना। तो फर्स्ट और उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, फर्स्ट के बाद थर्ड और थर्ड के बाद सेकंड आ जाएगा, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें भी स्थापना वर्ष के आधार पर इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। अयोध्या जो आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये आपका 18 अगस्त 1986 का है। तुलसी जो है आपका, जो आपका क्या है, तुलसी स्मारक भवन है ये आपका 1969 का है। इसी टाइम पे आप देखेंगे कि जो है इंदिरा गांधी जी ने जो है बैंकों का नेशनलाइजेशन भी किया है। उत्तर प्रदेश जो आपका जैन रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसकी जो स्थापना की गई है वो कब की गई है, 1990 में की गई है। तो अब आप लगा लेंगे, है ना। तो सबसे पहले आपका तुलसी आ जाएगा, ठीक है, तो सेकंड आ जाएगा, सेकंड कहां पर है आपका, दो ऑप्शन में है, ठीक है। उसके बाद आपका फर्स्ट आ जाएगा, फिर थर्ड आ जाएगा, तो आपका आंसर यहां पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें भी स्थापना वर्ष के आधार पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको सेट करना है। तो गवर्नमेंट आर्ट्स और जो आपका क्राफ्ट्स डिग्री कॉलेज है, ठीक है, तो ये जो है आपका ये कब का है, 1911 का है, दिल्ली दरबार के टाइम का। उत्तर प्रदेश जो संगीत नाट्य भारती है ये 1963 का है आपका, ठीक है ना, ये संथानम कमेटी के आसपास का टाइम है। और इसके बाद भारतेंदु जो नाट्य अकेडमी है वेरी इंपॉर्टेंट, ये 1975 की है। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड हो जाएगा, जो कि ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी एक नाट्य रचना है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का यहां पर कवि वचन सुधा लिखा गया है, यहां पर क्या लिखा गया है, कवि वचन सुधा लिखा गया है, जबकि ये आपकी मैगजीन थी, क्या थी आपकी, ये आपकी मैगजीन है। उसके बाद प्रताप नारायण मिश्र जी का चंद्रकांता लिखा गया है, ठीक है ना, तो चंद्रकांता क्या थी आपकी, ये उपन्यास थी। उसके बाद देवकी नंदन खत्री जी की है वो आपकी, ठीक है ना, जो चंद्रकांता है, ठीक है, ये आपकी प्रताप नारायण मिश्र जी की नहीं है, और देवकी नंदन खत्री के सामने हठी हमीर लिखा गया, तो उल्टा लिखा गया, प्रताप नारायण मिश्र जी की रचना हठी हमीर है, देवकी नंदन खत्री जी की चंद्रकांता है, ये आप लोगों ने देखा भी होगा, ठीक है ना। तो इसका जो है आपका नाट्य रचना क्या हो गई, जो आपका यहां पर पूछा जा रहा है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में जो लिखा गया है उससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, कहीं कहीं पर टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, इनकरेक्ट ऑप्शन को पिक करना है, ठीक है ना। तो ये जो है पहला बिल्कुल ठीक है, मैगजीन है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, यहां पर दोनों ऑप्शन उल्टे लिखे गए हैं, तो ये आपका रॉन्ग जो है यहां पर हमको पिक करना था, इसलिए आंसर आपका 56 का बी हो जाएगा, सेकंड और थर्ड। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी दो आपकी रचनाएं हैं जो आपकी एक ही कवि या लेखक की हैं, ठीक है ना। तो पहला लिखा है मृगनयनी, उसके बाद झांसी की रानी, ये दोनों जो है आपकी रचना जो है आपकी वो किसकी है, वृंदावन लाल वर्मा की। उसके बाद उपन्यास की जो आपकी शर्त है ना, उपन्यास की जो आपकी शर्त है वो किसकी रचना है, जगदीश नारायण श्रीवास्तव की, और अधूरे साक्षात्कार जो है वो नेमी चंद्र जैन जी की है। तो फर्स्ट और सेकंड इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है कि कौन सी जो दो पत्रिकाएं हैं वो लखनऊ से प्रकाशित की जाती हैं, आरोग्य का नाम है, आयुर्वेद संदेश है, प्राकृतिक जीवन और आपका स्वास्थ्य यहां पर लिखा गया है, ठीक है। तो देखिए जो आरोग्य है आपका ये गोरखपुर से रिलेटेड है, और आयुर्वेद संदेश जो है आपका और प्राकृतिक जो आपका जीवन है ये रिलेटेड है आपका लखनऊ से, और आपका स्वास्थ्य जो है ये रिलेटेड है आपका वाराणसी से। तो लखनऊ से सेकंड और थर्ड, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत जी को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो कब दिया गया था उनको, ठीक है ना। तो ये जो है हिंदी साहित्य के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार
प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं, और सुमित्रा नंदन पंत जी 1968 में इनको प्राप्त हुआ था, ठीक है ना। तो दो ऑप्शन में है, दो तो आपने एलिमिनेट कर दिया। इसके बाद जो है उत्तर प्रदेश के उन प्रसिद्ध साहित्यकार केदारनाथ सिंह जी को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो वो कब मिला था उनको, तो इनको मिला था 2013 में, ठीक है। तो आपका आंसर आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल कॉन्टेक्चुअल पार्ट है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट ऑप्शन को, करेक्ट को नहीं, इनकरेक्ट ऑप्शन को हमको यहां पर पिक करना है। तो नेहरू बाल भवन इन्होंने लिखा है कि प्रयागराज में है आपका, ठीक है ना, जो पहला लिखा है आपका बिल्कुल ठीक है। अभिनव ज्योति इन्होंने लिखा है लखनऊ, जबकि ये वाराणसी में है, यही गलत है आपका, यही आंसर भी हो जाएगा। स्वास्तिक आपका मथुरा में है और रूपांतर आपका गोरखपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सॉरी, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो फिल्मों को उद्योग का दर्जा दिया गया वो कब दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट, ये 1998 में दिया गया है, ठीक है, एक ही ऑप्शन में आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है, उत्तर प्रदेश के द्वारा जो यूपी गवर्नमेंट है उसके द्वारा जो फर्स्ट जो आपकी फिल्म से रिलेटेड पॉलिसी है उसकी घोषणा कब की गई थी, तो 1999 में की गई थी, आंसर आपका सी होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो आपकी आलमारा जो आपकी फिल्म है उसके निदेशक जो है आपके बीपी मिश्र, वो उत्तर प्रदेश के किस जिले के निवासी थे, ये बताना है। आलमारा है ये आपकी, है ना, आलमारा लिख रहे हैं यहाँ पर, इन्होंने जो है संधि कर दी है इसकी, तो आलमारा मूवी है आपकी, ठीक है ना। वो उसके जो आपके डायरेक्टर थे बीपी मिश्रा, वो कहां के रेसिडेंट थे, तो आपको पता होगा कि ये रेसिडेंट थे कहां के, देवरिया के, कहां के, देवरिया के थे। और उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना कब की गई थी, तो ये आपकी 10 सितंबर 1975 में किया गया था। तो दोनों के दोनों जो आपके ऑप्शन है किसी में आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना। देखिए देवरिया कहीं पर भी नहीं है आपका, तो नन ऑफ द अबव, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें स्थापना वर्ष के आधार पर हमको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यहां पर लगाना है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश आर्टिस्ट एसोसिएशन की बात की जा रही है यहां पर, ठीक है। तो ये जो है आपका रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, ये इसको खोजा गया था 1936 में, कब, 1936 में। इसके बाद लखनऊ ग्रुप की बात की जाए तो इसको जो है 1981 में स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश जो वर्किंग आर्टिस्ट एसोसिएशन है इसको अक्टूबर 2000 में एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। तो इस हिसाब से लगाएंगे तो 1, 2, 3 आ जाएगा, आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें हमको इनकरेक्ट ऑप्शन को बताना है। सबसे पहले जो स्टेटमेंट लिखा गया है कि जो आपकी 1984 में ललित कला अकादमी ने अपना रीजनल जो आपका ऑफिस है, कार्यालय जो है वो लखनऊ में स्थापित किया था, जो पहला यहां पर स्टेटमेंट लिखा गया है, ठीक है। तो ये यहां पर गलत लिखा गया है, ये आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो है आपका, देखिए यहां पर गलत विकल्प का चयन करना है। तो पहला बिल्कुल ठीक है आपका कि 1984 में ललित कला अकादमी का जो रीजनल ऑफिस है वो एस्टैब्लिश किया गया कहां पर, लखनऊ में, तो ये आपका ट्रू है। हमको पिक क्या करना है, इनकरेक्ट, तो पहले को आप एलिमिनेट कर दीजिए। दूसरा जो है 1998 में गैलरी डी आर्ट नाम से एक कला दीर्घ जो है उसकी शुरुआत की गई थी, है ना, ये लिखते हैं यहां पर, तो ये 1997 है, ठीक है, तो ये गलत है। तीसरा ये कि ललित कला अकादमी ने कला त्रैमासिक नाम से पत्रिका निकाली थी, ठीक है ना। तो ये जो है आपका लास्ट वन जो लिखा गया है ये क्या है आपका, राज्य ललित कला अकादमी ने निकाली थी कला त्रैमासिक नाम से पत्रिका, ना कि ललित कला अकादमी ने, राज्य लगा होता तब सही होता। तो दूसरा और तीसरा गलत है आपका, आंसर आपका बी हो जाएगा, पहला आपका स्टेटमेंट ट्रू है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन को पिक करना है। सबसे पहले जो भातखंडे हिंदुस्तानी म्यूजिक आपका महाविद्यालय है उसकी स्थापना ये बता रहे हैं कि 1926 में मैरिस कॉलेज के नाम से की गई थी, ठीक है ना। देखिए शास्त्रीय संगीत की विभिन्न विधाओं में अपनी शिक्षण पद्धति के लिए और स्पेसिफिक सिलेबस के लिए ये जो है इसकी स्थापना जो की गई 1926 में मैरिस कॉलेज के नाम से हुई थी, ठीक है ना। और इसका जो है पुनर्नामकरण किया गया भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय के रूप में, इसका पुनर्नामकरण किया गया है, ठीक है ना। तो ये जो है आपका, ये तो आपका सही हो गया। दूसरा ये भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय को जो है 26 मार्च 1966 को राज्य सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया था, ठीक है ना, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद 24 अक्टूबर 2000 को एक नोटिफिकेशन के द्वारा इसको जो है आपको विश्वविद्यालय घोषित किया गया। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके ट्रू है, गलत बताना था, इसलिए नन ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें यह पूछा जा रहा है कि यूपी का जो आपका उत्तर प्रदेश म्यूजियम डायरेक्टरेट है उसकी स्थापना कब की गई है, ठीक है। तो इसकी स्थापना आपकी अगस्त 2002 में की गई है, आंसर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वन जो है इसका पार्ट क्वेश्चन का कि जनजाति और लोक कला संस्कृति संस्थान है उसकी स्थापना कब की गई, तो भैया 1996 में की गई थी। कहां पर की गई थी, दोनों की स्थापना लखनऊ में की गई है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि यूपी का जो राजकीय अभिलेखागार है सेंट्रल रिकॉर्ड ऑफिस जो है उसके रूप में कहां पर स्थापित किया गया है, स्टेट आर्काइव्स को, है ना, कहां पर स्थापित किया गया है, ठीक, ये ईयर की बात की जा रही है यहां पर, ठीक है ना। तो ये जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया आपका प्रयागराज में, और कब किया गया था,
कब किया गया था, 1949 में, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसका क्वेश्चन का, उत्तर प्रदेश की जो राज्य सरकार है उसने उर्दू को राज्य की सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में कब रिकॉग्नाइज किया था, ठीक है, तो ये आपका 1989 का ऑफिशियल लैंग्वेज अमेंडमेंट एक्ट से जो है ऐसा किया गया था कि उर्दू को सेकंड ऑफिशियल जो है लैंग्वेज यूपी गवर्नमेंट ने घोषित किया था। कब किया था, 1989 में, आंसर आपका सी हो जाएगा, पहले ही देख लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें वर्ष के आधार पर ऑड जो भी आपका यहां पर विकल्प है उसको हमको चिन्हित करना है। सबसे पहले राजकीय जो जैन संग्रहालय है मथुरा का, तो ये आपका 2003 से रिलेटेड है। राजकीय बौद्ध संग्रहालय जो है बुद्धिस्ट म्यूजियम कुशीनगर लिखा है इन्होंने, ठीक है ना, तो ये कुशीनगर में रिलेटेड है और कुशीनगर से रिलेटेड है 1995 से। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज जो लिखा गया है यहां पर, ठीक है, ये आपका 1996 से रिलेटेड है। और उसके बाद राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय जो है आपका मेरठ का, ये जो है आपका 1997 से रिलेटेड है आपका, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये सब 2000 के पहले के, ये 2000 के बाद का है, तो ऑड वन आपका ए हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें करेक्ट ऑप्शन को पिक करना है। मस्जिद जो है लाल दरवाजा, ये जौनपुर लिखा है इन्होंने यहां पर, ठीक है, तो ये जो है आपका क्या है, ये ठीक है। विक्टोरिया लाल जो घंटाघर है हरदोई में है। देवकली मंदिर आपका जो है वो कहां पर है, औरैया में है। और एजाज अली हॉल जो है आपका ये जालौन लिखा है इन्होंने यहां पर, जबकि ये है आपका कहां पर, बिजनौर में है। कहां पर है, बिजनौर में है। तो फोर्थ को हटा के फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें ऑड जो भी ऑप्शन है उसको पिक करना है। पहला ये कि जो शुक्रताल जी का प्राचीन शिव मंदिर है वो आपका शिवा टेम्पल जो है आपका वो गोंडा में है, ठीक है ना, गोंडा में है, ठीक है। ये आपका जो पहला लिखा गया है ये क्या होगा आपका बताइए जरा, ये शुक्रताल जी का जो आपका एंशियंट जो आपका शिवा टेम्पल है वो मुजफ्फरनगर में है आपका, ठीक है। और जो आपका दूसरा लिखा है धानापुर जो शहीद स्मारक है ये आपका मुजफ्फरनगर लिखा गया है, जबकि ये कहां पर है आपका, चंदौली में है। उसके बाद पार्वती आगरा जो अभयारण्य है इन्होंने चंदौली लिखा है, जबकि ये आपका गोंडा में है। लेकिन जो रेणुकेश्वर महादेव मंदिर इन्होंने लिखा है वो क्या है आपका, सोनभद्र में अवस्थित है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, सही हो गया। आप इसको ऐसा कर लीजिएगा कि इसमें हमको सेलेक्ट करना है ऑड ऑप्शन को, ठीक है ना, तो ऑड क्या है, जो सही है वो ऑड है, बाकी तीन गलत दिए गए, तो आंसर आपका सी हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, आप देख लीजिएगा मैंने आपको डिकोड कर दिया है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें हमको क्या करना है, करेक्ट वन को यहां पर पिक करना है। सबसे पहले जो लिखा गया है लोधेश्वर जो आपका महादेव मंदिर यहां पर लिखा गया है, ठीक है ना, तो ये जो आपका लोधेश्वर जो आपका महादेव मंदिर है ये कहां पर है, बाराबंकी में है। औघड़नाथ जो आपका मंदिर है ये कहां पर है, मेरठ में, तो दोनों उल्टा लिखा हुआ है। इसके बाद जो मकरबाई मंदिर है आपका वो कहां पर है आपका, ये महोबा में है, बिल्कुल ठीक है। जायसी स्मारक जो है वो आपका रायबरेली में, तो थर्ड और फोर्थ आपका सही है, आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें जो लोक नृत्य से रिलेटेड है गलत विकल्प उसको पिक करना है। तो रसिया लोकगीत जो है वो कहां से रिलेटेड है, ब्रजभूमि से रिलेटेड है, ठीक है, ब्रजभूमि से रिलेटेड है। तो ये तो आपका सही हो गया ना, तो अगर सही हो गया तो वन को आप एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद कजरी लोकगीत जो है वो कहां से रिलेटेड है, पूर्वांचल मिर्जापुर, है ना, ये पूर्वांचल लिखा गया है लेकिन रिलेटेड आपका मिर्जापुर से है। आला लोकगीत जो है वो कहां से रिलेटेड है, तो बुंदेलखंड से, आला उदल आपने सुना होगा, ठीक है ना। उसके बाद बिरहा लोकगीत जो है वो रिलेटेड है पूर्वांचल से, ठीक है ना। तो यहां पर हमको क्या है कि सेकंड थर्ड और जो फोर्थ है आपका ये गलत है, ठीक है ना, और गलत ही हमको पिक करना था, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन को पिक करना है। पहला ये कि जो कहार जाति है उसके द्वारा मांगलिक अवसर पर जो किए जाने वाला नृत्य है उसको नटवरी नृत्य बोला जाता है, ठीक है, गलत विकल्प को हमको यहां पर चुनना है। तो इसको नटवरी नृत्य नहीं बोला जाता है भाई साहब, इसको धीवर बोला जाता है, धीवर नृत्य बोला जाता है, ठीक है ना, धीवर नृत्य। उसके बाद जो दूसरा लिखा गया है वो संगीत तथा नकारे की लय पर जो खेल मुद्राओं द्वारा किए जाने वाले नृत्य है उसको धीवर राग बोला जाता है, ठीक है ना, ये बोल रहे हैं यहां पर। तो ये भी यहां पर उल्टा लिखा गया है, इसको नटवरी नृत्य बोला जाता है, दोनों उल्टा लिखा गया है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, और इसका आंसर आपका सी बोथ हो जाएगा क्योंकि गलत पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको करेक्ट वन को पिक करना है। पहला ये कि जो चौरसिया आपका डांस है ये परफॉर्म किया जाता है किसके द्वारा, कहारों के द्वारा, सोनभद्र जिले में उत्तर प्रदेश के, ठीक है, तो चौरसिया नृत्य जो है उत्तर प्रदेश के जौनपुर से रिलेटेड है, ना कि सोनभद्र से, और कहारों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है, तो जो पहला है गलत हो गया। दूसरा जो कर्मा जो फोक डांस की बात कर रहे हैं ये यूपी के मिर्जापुर और सोनभद्र से रिलेटेड है, जहां पर कोल जो आपकी जनजाति होती है उसमें ये स्त्री पुरुषों के द्वारा संगीत मतलब संयुक्त रूप से ज्वाइंट जो रूप से जो है इसको किया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए दूसरा स्टेटमेंट आपका ट्रू है, ओनली सेकंड इसका आंसर आपका
बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें सही विकल्प का चयन करना है। पहला ये कि जो आपका ढोला लोकगीत है वो उत्तर प्रदेश के आगरा और मेरठ में आपके क्या है, प्रचलित है, जो पहला स्टेटमेंट यहां पर लिखा गया है, ठीक है। और दूसरा जो है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम मेले जो है बलिया जिले में लगते हैं, लेकिन जो ये गलत लिखा गया, क्यों? क्योंकि ये पीलीभीत में सबसे कम मेले लगते हैं यूपी के अंतर्गत, तो दूसरे को आप क्या करिए, एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है। और ददरी के जो पशु मेले का आयोजन किया जाता है वो बोल रहे हैं पीलीभीत में किया जाता है, जबकि उल्टा लिखा गया है ये आपका बलिया में किया जाता है। तो दूसरा और तीसरा जो है दोनों आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो किसी भी ऑप्शन में जो है वो आपका दूसरा तीसरा तो सारे ऑप्शन में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बताइए जरा इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही विकल्प का चयन करना, तो ऑनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, है ना, तो ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसमें आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि एक जिला और एक उत्पाद जो योजना है उससे रिलेटेड कौन सा विकल्प जो है वो सही है, उसको हमको यहां पर पिक करना है, ठीक है। कासगंज के सामने इन्होंने जरी जरदोजी लिखा हुआ है यहां पर, ठीक है, जरी जरदोजी लिखा है, ठीक है आपका। उसके बाद जो है आपका फरूखाबाद टेक्सटाइल पेंटिंग के लिए लिखा हुआ है, उसके बाद देवरिया जो है डेकोरेटिव जो प्रोडक्ट्स है उनके लिए लिखा गया है, बलरामपुर सॉफ्ट टॉयज के लिए लिखा है, जबकि ये फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड है, और किसके लिए, दालों के लिए, ठीक है। तो फोर्थ वन आपका जो है गलत है, 1, 2, 3 आपका इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि सही जो भी आपका विकल्प है उसको यहां पर हमको आइडेंटिफाई करना। सबसे पहले खेरिया एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, ये सहारनपुर लिखा है यहां पर, ये आगरा से रिलेटेड है आपका। सरसावा जो आपका हवाई अड्डा है ये सहारनपुर से रिलेटेड है, ये इन्होंने प्रयागराज लिखा है। प्रयागराज से जो रिलेटेड है आपका बमरौली रिलेटेड है। हिंडन हवाई अड्डा जो है वो गाजियाबाद से रिलेटेड है, और इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि यूपी में पाई जाने वाली जो आपकी ट्राइप है, जो जनजाति है आपकी जौनसारी, उसके द्वारा कौन सा उत्सव नहीं मनाया जाता है, पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर जो है विकासो है और पांचोई है, दियाई उत्सव है आपका, ठीक है ना, वो लिखा गया है यहां पर। तो उत्तर प्रदेश की जो जौनसारी जो आपकी जनजाति है वो तीनों ये उत्सव को मनाती है, तो इसका आंसर आपका डी, नन ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें रासो नृत्य, झेला नृत्य, घोड़ो नृत्य और धी जो आपके नृत्य है वो आपकी किस ट्राइब से रिलेटेड है, किस जनजाति से रिलेटेड है वो बताना है हमको, ठीक है ना। तो ये आपका किससे रिलेटेड है, ये भुइया लिखा है, अगरिया लिखा है, सहरिया लिखा है, जबकि ये रिलेटेड किससे है, जौनसारी जनजाति से रिलेटेड है। एक और भी नाम आता है, अंडे कांडे नृत्य भी उसी के अंतर्गत आता है, सराई भी आता है, जंगबाजी भी आता है आपका, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड है आपका, ये रिलेटेड है जौनसारी से, ठीक है ना, इनसे रिलेटेड नहीं है, तो नन ऑफ द अबव इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें करेक्ट ऑप्शन को पिक करना है। वेब सिटी के सामने यहां पर गाजियाबाद लिखा हुआ है, ठीक है, वेब सिटी के सामने यहां पर क्या लिखा है, गाजियाबाद लिखा हुआ है। उसके बाद जो एग्रो पार्क है संडीला हरदोई लिखा हुआ है, तो जो आपका एग्रो पार्क है वो आपका बाराबंकी और आपका वाराणसी से रिलेटेड है, ठीक है ना। और जो आपका यहां पर साइंस पार्क है ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका कहां पर है, संडीला हरदोई में है, तो ये दोनों उल्टा लिखा गया है, तो 2 और 3 आपका गलत हो गया, तो इसको एलिमिनेट कर दीजिए, आंसर आपको वैसे भी मिल जाता सी, वेब सिटी गाजियाबाद और मेगा फूड पार्क जो है बहेड़ी बरेली से रिलेटेड है, आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें हमको ऑड वन को यहां पर पिक करना है। विष्णु टेम्पल तिगवा की बात की गई है, दशावतार जो झांसी वाला आपका देवगढ़ वाला जो आपका टेम्पल है उसकी बात की गई है, पार्वती टेम्पल की बात की गई है, नचना कुठार, क्या ये सब के सब गुप्त काल से रिलेटेड है। लास्ट वन भूमरा जो है उसके शिव मंदिर की बात यहां पर की गई है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहां पर जो दशावतार टेम्पल है ये ललितपुर यूपी में है, तिगवा का विष्णु मंदिर कहां है, एमपी में जबलपुर में, नचना कुठार कहां है, सतना नामक जो आपका जगह है वहां मध्य प्रदेश में, और भूमरा का जो शिव मंदिर है वो भी आपका कहां पर है, वहीं पर सतना के पास में, सतना पन्ना वाला रीजन है ये आपका दोनों मंदिर। तो ये जो है आपका एक जो है वो यूपी से रिलेटेड है, इसलिए ऑड वन आपका आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें हमको मैच द फॉलोइंग करना है, अटाला मस्जिद जो है वो कहां पर है, तो ये आपको पता ही होगा कहां पर है, वेरी इंपॉर्टेंट, जौनपुर यूपी से रिलेटेड है, ठीक है। तो ए का क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन में है, तो 2 तो आपने एलिमिनेट कर दिया। वशीर मस्जिद की बात करेंगे तो अहमदाबाद गुजरात में है ये आपका, ठीक है, बी का 4 हो जाएगा। अब एक ही ऑप्शन में है, आंसर आपको मिल गया सी। चार मीनार जो है वो कहां पर है आपकी, तो हैदराबाद तेलंगाना में है। अदीना मस्जिद जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मालदा जो है आपका वेस्ट बंगाल वाला क्षेत्र वहां से रिलेटेड है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर यहां पर आपका हो जाएगा 2, 4, 3, 1 जो कि सी में दिया गया है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि यूनेस्को की जो आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है, उसमें शामिल जो भारतीय साइट्स हैं उससे रिलेटेड आप सही विकल्प का चयन करिए। तो खजुराहो ग्रुप जो मोनूमेंट्स है 1986 लिखा गया है यहां पर,
ठीक है ना, जो पहला लिखा गया है यहां पर, ये जो है आपका बिल्कुल ठीक है। उसके बाद पट्टडकल जो है आपका, पट्टडकल बोलते हैं स्मारकों का समूह, 1984 लिखा गया है यहां पर, जबकि ये 1987 है, ठीक है, ये गलत हो गया आपका, सेकंड को एलिमिनेट कर दीजिए आप, आंसर वैसे भी मिल गया। हुमायूं का मकबरा जो है वो आपका 1993 लिखा गया है यहां पर, क्या लिखा गया है, 1993 लिखा गया है, बिल्कुल ठीक है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है 2004 लिखा गया है, तो फर्स्ट थर्ड और फोर्थ आपका सही है, आंसर सी हो जाएगा, दूसरा गलत है आपका बस। पट्टडकल है जो है वो 1987 का है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भौगोलिक उपदर्शन के रूप में जो प्रसिद्ध वस्त्रों से रिलेटेड आपके यहाँ जो जगह दी गई है और प्रोडक्ट्स, उसके बारे में हमको सही विकल्प का चयन करना है। सबसे पहले सुजनी जो आपकी एम्ब्रॉयडरी होती है, कढ़ाई जिसको बोलते हैं, वो बिहार से रिलेटेड है, इन्होंने लिखा है यहां पर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और जो दूसरा यहां पर लिखा है फुलकारी कढ़ाई जो है वो रिलेटेड है आपका, पंजाब से रिलेटेड है, ये भी बिल्कुल ठीक है। मोला कलमुरु जो साड़ियां हैं, इन्होंने आंध्र प्रदेश लिखा है, लेकिन ये रिलेटेड आपका कर्नाटका से है, ठीक है। और खंडुआ जो साड़ी है ये रिलेटेड है आपकी उड़ीसा से, तो ये दोनों गलत है। सही जो है फर्स्ट एंड सेकेंड, आपका आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें स्थापना वर्ष के आधार पे जो आपके इंडियन हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम है उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो कैलिको जो म्यूजियम है टेक्सटाइल का, उसकी बात कर रहे हैं ये आपके, ठीक है। तो अगर आप कैलिको वस्त्र संग्रहालय की बात करेंगे तो 1949 से रिलेटेड है। आशुतोष म्यूजियम ऑफ इंडियन हार्ट जो है आपका, वो आर्ट जो है आपका, वो रिलेटेड है 1937 से, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका। इसके बाद जो शालार जंग लिखा गया है आपका, और क्या लिखा गया है आपका, इसके बाद जो शालार जंग है और लिखा गया है आपका राष्ट्रीय हस्तशिल्प और हथकरघा संग्रहालय लिखा गया, तो ये आपका 1956 है और ये आपका 1951 है। अब आप लगा लेंगे तो सेकंड जो है आपका सबसे पहले आ जाएगा, और उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में तो सबसे बाद वाला कौन सा आ जाएगा आपका, फोर्थ आ जाएगा, तो एक ही ऑप्शन में था, आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे बाद वाले को पहले लगाना है, तो 1956 लगा दिया, एक ही ऑप्शन में डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें पूछा जा रहा है कि जो देश के विभिन्न क्षेत्र हैं, इसमें जो भौगोलिक उपदर्शन का जो दर्जा प्राप्त करने वाली जो आपकी हस्तशिल्प पद्धति है, उससे रिलेटेड सही जो आपका विकल्प है उसको बताना है। पोचमपल्ली जो इकात है वो आपका किससे रिलेटेड है आपका, ठीक है, तो ये तेलंगाना से रिलेटेड यहां पर बता रहे हैं आपके, ठीक है ना। तो आपको क्या है, बिल्कुल ठीक है आपका, पोचमपल्ली जो लिखा गया है आप बताइए। और जो दूसरा है बाघ प्रिंट, वो मध्य प्रदेश के से रिलेटेड है, ये आपका बाघ प्रिंट उज्जैन धार वाला एरिया है। इसके बाद जो टोडा कसीदाकारी है आपकी, वो कर्नाटक लिखा है इन्होंने, जबकि टोडा नीलगिरी हिल्स आपको याद होता तो आपको पता है ये कि तमिलनाडु होगा ये आपका, ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया, और ऊपर के दोनों सही है, तो आंसर आपका ए हो जाएगा, वन एंड टू। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे पूछा जा रहा है कि शास्त्रीय नृत्य और उनसे जुड़े जो आपके डांसर्स हैं, उनसे रिलेटेड जो यहां पर विकल्प दिए गए, उसमें ऑड वन को हमको यहां पर पिक करना है। सविता मेहता जी की बात की गई है, ये मणिपुरी डांस से रिलेटेड है। रीता देवी की बात की गई है, मणिपुरी से रिलेटेड है। रागिनी देवी की बात की जाए तो ये मोहिनी अट्टम से रिलेटेड है, ठीक है। कलावती देवी जो है ये भी मणिपुरी से रिलेटेड है, तो ऑड वन आपका सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें शास्त्रीय नृत्य और उनसे जुड़े जो नर्तक है उनसे रिलेटेड कौन सा जो सही विकल्प है उसको यहां पर हमको आइडेंटिफाई करना है। कथक के सामने अच्छन महाराज और दमयंती जोशी लिखा गया है यहां पर, ठीक है। तो कथक कली जो है उसमें लिखा गया है रामकृष्ण तालुकदार और कृष्णाक्षी कश्यप लिखा गया है, जबकि ये आपके नारायण मेनन और आनंद शिव रमन है, ठीक है, तो दूसरा आपका गलत हो गया। ओडिसी जो है प्रियंवदा मोहंती और माधवी मुदगल लिखा गया है आपका, बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद जो भरतनाट्यम है सोनल मानसिंह और पद्मा सुब्रमण्यम, तो दूसरा बस गलत है, इसको एलिमिनेट कर देते तो वैसे भी आंसर मिल जाता आपको डी, वन थर्ड और फोर्थ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और इसमें जो है प्रमुख लोक नृत्य उससे रिलेटेड जो आपके सही विकल्प है उसको आइडेंटिफाई करना है। धमाली जो है कश्मीर वैली का प्रचलित जो है लोक नृत्य है, जो पहला यहां पर लिखा गया है, ठीक है ना, सही विकल्प का चयन करना है, तो ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा कीकली जो है पंजाब का प्रचलित लोक नृत्य है। पुंग चोलम जो है आपका वो फोक डांस है असम का, बिल्कुल गलत है। थांगटा और पुंग चोलम जो है मैंने बताया भी था लास्ट प्रीवियस जो हमारा डिस्कशन था किसी टेस्ट का, तो लोक नृत्य जो है ये रिलेटेड है मणिपुर से रिलेटेड है ना, थांगटा भी है मणिपुर से रिलेटेड है आपका, तो पुंग चोलम जो है एक यंत्र होता है, ठीक है, तो ये मणिपुर क्षेत्र का जो है प्रचलित लोक नृत्य है आपका, लोक नृत्य है, ठीक है। तो तीसरा जो है आपका गलत है, रामनाट्यम जो है केरल का प्रचलित लोक नृत्य है, बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, सही बताना था इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमको करेक्ट ऑप्शन को ट्राइबल जो आपके मेजर ट्राइबल डांस है उसके रेफरेंस में हमको करेक्ट ऑप्शन को पिक करना है। नवरानी जो डांस है ये डांस परफॉर्म किया जाता है गोंड ट्राइब के द्वारा, ठीक है ना, पहला जो है आपका ये आपका क्या है पहला, बिल्कुल ठीक है। दूसरा जो है जदूर नृत्य ये बोल रहे हैं कि परफॉर्म किया जाता है भुइया ट्राइब के द्वारा, तो जो दूसरा है ये आपका गलत है, ये भूमिया जनजाति है, क्या नाम है इसका, भूमिया, भूमिया,
ध्यान दीजिएगा, भूमिया एक शब्द से पूरा का पूरा जो है क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है, भूमिया से रिलेटेड है, इसलिए सेकंड गलत हो गया, सेकंड को एलिमिनेट कर दीजिए, आंसर आपका वैसे भी बी या डी में से एक होगा। मुद्रिका जो नृत्य है आपका वो आपका रिलेटेड है उड़ीसा की उराव जनजाति से, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, वन एंड थर्ड ओनली। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमको मैच द फॉलोइंग करना है, हिमाचल प्रदेश एक तरफ स्टेट के नाम है, एक तरफ फोक डांसेस है, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश से क्या रिलेटेड है, झमाकड़ा, तो ए का आपका फोर हो गया, आंसर आपको इजिली मिल गया, ए हो जाएगा, ठीक है। कर्नाटका से रिलेटेड है आपका लांबी, और अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है आपका खंपाटी, और तमिलनाडु से रिलेटेड है आपका कौन सा, कुमी, ठीक है, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें जो आपका ज्योग्राफिकल जो आपका लोकेशन की बात करते हैं ना, जो आपका जीआई टैग वगैरह की, उससे रिलेटेड है, तो भौगोलिक उपदर्शन के रूप में जो प्रसिद्ध वस्त्रों की सूची है उसमें से ऑड वन को हमको यहां पर पिक करना है। चंबा हैंडकरचीफ की बात कर रहे हैं, किन्नौरी शॉल, कुल्लू शॉल और आपका कानी शॉल की बात कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर क्या है, जो कनी शॉल है आपकी वो रिलेटेड है जेएनके से, जेएनके से रिलेटेड है, बाकी जो यहां पर दिए गए हैं वो किससे रिलेटेड है, हिमाचल प्रदेश से, तो ऑड वन आपका डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें जो आपका हैंडीक्राफ्ट है उससे रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी स्थापना वर्ष के आधार पर उनको डिसेंडिंग ऑर्डर पर लगाना है, तो ऑल इंडिया जो हैंडीक्राफ्ट बोर्ड है ये आपका 1952 का है, ऑल इंडिया जो आपका कॉटेज इंडस्ट्रीज बोर्ड है आपका ये आपका कब का है, 1948 का है, और जो द क्राफ्ट्स काउंसिल ऑफ इंडिया है वो कब की है आपकी, वो 1964 की है, तो लगा दीजिए थर्ड सबसे पहले आ जाएगा, आंसर आपका यहां पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें संगीत शैली के जो गायक हैं उनसे संदर्भित सही विकल्प का चयन करना है। हिंदुस्तानी म्यूजिक के सामने हीरा भाई बरोदेकर का नाम है, बरोडकर का, और मल्लिकार्जुन मंसूर का नाम यहां पर लिखा गया है, तो ये जो है आपका पहला जो है आपका क्या हो गया यहां पर, सही हो गया। उसके बाद जो कर्नाटक संगीत है उससे रिलेटेड विश्वनाथ अय्यर और जो आपके एमएस सुब्बा लक्ष्मी है, ठीक है ना, सुब्बा लक्ष्मी है, ठीक है, दूसरा जो लिखा गया है यहां पर, तो पहला और दूसरा आपका बिल्कुल ठीक है। पंडवानी संगीत जो है तीजन भाई और गंगूबाई हंगल से रिलेटेड इन्होंने यहां पर बताया है, तो तीजन भाई तो यहां पर आती हैं, लेकिन गंगूबाई हंगल नहीं आती हैं, यहां पर ऋतु वर्मा आती हैं, क्या नाम है उनका, ऋतु वर्मा है, ठीक है, तो तीसरा गलत है, फर्स्ट सेकंड सही है आपका, आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और इनको जो प्लेयर्स हैं उनके रेफरेंस में हमको सही नहीं, इनकरेक्ट को, सही को नहीं, यहां पर गलत विकल्प का चयन करना है। वायलिन के सामने इन्होंने एल सुब्रमण्यम और डॉक्टर एन राधम लिखा है इन्होंने, है ना, तो ये बिल्कुल ठीक है आपका। और उसके बाद जो दूसरा है सारंगी, इसमें उस्ताद अलाउद्दीन खां और संतोष कुमार मिश्रा लिख रखा है इन्होंने, ठीक है, तो संतोष कुमार मिश्रा रिलेटेड है किससे, सारंगी से, और बहुत ज्यादा फेमस है ये सरोज, जो सरोद वादक है ये आपके, सरोद वादक, क्या नाम है इनका, उस्ताद अलाउद्दीन खां, तो दूसरा आपका गलत है। तीसरा ये सितार से रिलेटेड है, मणिलाल नाग और मुस्ताक जो आपके अली खां हैं, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बताइए जरा, ओनली सेकंड हो जाएगा जो आपका गलत है, तो आपका आंसर आपका बी हो जाएगा, क्योंकि रॉन्ग ऑप्शन को पिक करना था। नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है इसमें प्रमुख संगीत संस्थाएं और उनके हेडक्वार्टर से रिलेटेड आपको ऑड जो भी ऑप्शन है उसको पिक करना है, ठीक है, तो यहां पर जो पहला लिखा है भारतीय कला केंद्र, संगीत नाटक अकेडमी, राम भारती जो आपका कला केंद्र है यहां पर ये लिखा गया है, तो देखिए भारतीय कला केंद्र नई दिल्ली में, संगीत नाटक अकेडमी दिल्ली में है, राम भारती कला केंद्र दिल्ली में है, लेकिन अलाउद्दीन खां जो संगीत अकेडमी है ये आपकी कहां है, भोपाल में है, कहां पर है, भोपाल में, और अलाउद्दीन जो समारोह जो है वो भोपाल में मनाया जाता है, इनने जो है पूरी अपनी भक्ति या संगीत की साधना समझ लीजिए तो मैहर इनका कार्य क्षेत्र रहा है, ठीक है, लेकिन ये क्या भारतीय थे कि ये कहीं बाहर से आए थे, बताइएगा जरा कमेंट बॉक्स में, तो विषम विकल्प जो हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें विभिन्न स्टेट्स के जो प्रमुख फोक डांसेस हैं उनके बारे में हमको सही विकल्प का चयन करना है, तो सबसे पहले कोडियट्टम लिखा हुआ है इन्होंने, और उसके सामने इन्होंने लिखा है क्या, केरला लिखा है यहां पर, ठीक है, उसके बाद जो है करियाला लिखा है इन्होंने हिमाचल प्रदेश, टेरुकोट्टा जो है कर्नाटक, और ख्याल जो है राजस्थान इन्होंने लिखा है, टेरुकुट्टो जो है आपका वो तमिलनाडु से रिलेटेड है, तमिलनाडु से रिलेटेड है, तो तीसरा तो आपका गलत हो गया, थर्ड को आप एलिमिनेट कर दीजिए, तो वैसे भी आंसर आपको सी मिल जाता, ठीक है ना, इसका आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उसमें क्या है आपका, इसमें हमको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको सेट करना है उनकी स्थापना वर्ष के आधार पर, जो फिल्म पुरस्कार है उनके आधार पर, तो फिल्म फेयर अवार्ड जो है आपका वो कब का है, 1954 का है, आईफा अवार्ड जो है आपका वो कब का है, 2000 का है, और दादा साहब फाल्के जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये आपका 1969 का है, ठीक है, तो आप इसको लगा लीजिए, आप सबसे पहले आपका फिल्म फेयर आ जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका,
मतलब ये इसको किस आधार पे लगाना है हमको, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है उनके ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट के आधार पर, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, आईफा अवार्ड 2000 का है, फिल्म फेयर अवार्ड जो है आपका 1954 का है, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो दादा साहब फाल्के हैं वो आपके 1969 है। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर आपका सेकंड आ जाएगा, ठीक है ना, फर्स्ट और आपका, फिर आपका थर्ड और उसके बाद सेकंड आ जाएगा, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें जो परंपरागत युद्ध कला है और जो खेल है उनसे रिलेटेड हमको विकल्प का चयन करना है। होरी हब्बा ये कर्नाटक बता रहे हैं यहां पर, ठीक है, तो ये जो है आपका बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद जो पल, जो पलंगुजी है आपका, ये तमिलनाडु लिखा है इन्होंने, ये भी ठीक है। और जो धोक खेल है ये असम से रिलेटेड है। और लास्ट वन जो इन सुनाकार लिखा जो इन्होंने यहां पर, इन सुनाकार जो लिखा हुआ है ये मणिपुर लिखा हुआ है इन्होंने, रॉड पुशिंग कहते हैं इसको, ये आपका किससे रिलेटेड है, मिजोरम से रिलेटेड है, ठीक है, मिजोरम से। तो ये गलत है, बाकी ऊपर के तीनों सही है, तो आंसर आपका ए हो जाएगा 1, 2, 3। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमको लास्ट क्वेश्चन है आज के इस टेस्ट के डिस्कशन का, इसमें हमको करेक्ट ऑप्शन को पिक करना है। एक तरफ फेस्टिवल है और एक तरफ उनसे रिलेटेड आपके स्टेट्स हैं। तो फुलैच की बात करें अगर हम, ठीक है ना, तो ये यहां पर हिमाचल प्रदेश लिखा है इन्होंने, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। बंधन जो है छत्तीसगढ़ लिखा है इन्होंने, जबकि ये झारखंड से रिलेटेड है आपका, ठीक है। तो दूसरा आपका गलत हो गया, पहला सही है। विशु जो है आपका वो केरला से रिलेटेड है, तो फर्स्ट और थर्ड इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।